राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष भ्रष्टाचारामध्ये साफ़ देना पक्ष है आणि हे सांगत असताना त्यांनी राज्य सहकारी बँक मोदी कह रहे थे याचा उल्लेख केला आणि त्याबरोबर मोदीजी ने उसके बारे में स्टेट कॉपरेटिव बँक का उल्लेख किया था। इरिगेशन जी काही तक्रार होती त्यासंबंधीचा त्यांनी उल्लेख केला। इरिगेशन स्कैम का भी उन्होंने उल्लेख किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस ये जो उन्होंने बात कही थी या भ्रष्टाचार सहभागी आहेत असा जो आरोप केला मला आनंद आहे। एनसीपी इस भ्रष्टाचार में शामिल है ये जो आरोप उन्होंने किया था मंत्रिमंडळामध्ये राष्ट्रवादी कांग्रेस मुझे खुशी है कि आज त्यांनी शपथ दिली। एनसीपी के कुछ सहकारी उनको शपथ दी गई है त्या संबंधीचे केलेले आरोप हे वास्तव नव्हते। इसका मतलब ये कि जो मोदी इस मामले में जो आरोप कर रहे थे पक्षाला वो वास्तविकता से दूर थे आरोप केले होते त्या सगळ्यांना मुक्त केलं और इस सबके वजह से पहिल्यांदा इन आरोपों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त किया है ये दिखाई देता है और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। प्रश्न ऐसा दूसरा है कि दूसरा सवाल यह है कहीं सहकारी हमारे कुछ सहकारियों ने भूमिका है क्या अपेक्षा विधि भूमिका जो पार्टी की भूमिका है मुझे उसके विपरीत भूमिका ली है। शहर तटकेगा कल 6 तारीख को महाराष्ट्र मैं पक्षाच्या काही प्रमुख लोकांची बैठक ही बोलवलेली होती। मैं पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई हुई है और उस बैठक में संघटना कुछ प्रश्न उपस्थित किए गए थे जैसा विचार कर रहा संघटना में कुछ बदलाव करने के संबंध में उसके बारे में सोचने वाला था उपस्थित लेकिन अकेले के लिए थे क्या फुलवीस का ही सहकारी जो सवाल उपस्थित किए गए थे उसके पहले ही कुछ साथियों ने पार्टी के बिल्कुल विपरीत भूमिका ली है और वो भूमिका लेकर हम ही पार्टी है ऐसा वो दावा कर रहे हैं। स्वच्छ मत है कि पक्षाचे मेरा साफ मत ये है काही सदस्य विशेष विधिमंडळ होते यांनी पार्टी के कुछ विधायक भूमिका घेतली या संबंधीचं चित्र आणखी 2-3 दिवसात लोकांच्या समोर येईल आणि त्याचं कारण ये पता चल जाएगा लोगों को कि पार्टी के कुछ विधायकों ने ही अलग भूमिका ली है क्योंकि त्याच्या काही लोकांनी जिनके नाम आए हुए हैं संपर्क साधून जिनके नाम आए हुए हैं उन्होंने ही आज मुझे संपर्क किया हुआ है और मुझे कहा कि मुझे बुलाया गया और मेरे सिग्नेचर लिए गए लेकिन हमारी भूमिका उनके साथ जाने की नहीं है ये उन्होंने खुलासा किया हुआ है। अजीत पवार के साथ गए हुए कुछ विधायकों ने मुझे फोन करके कहा है कि हमारी भूमिका वो नहीं है। जनते से समझ त्यांनी मानण्याची आवश्यकता त्यांनी मानलं तर त्याच्याबद्दल माझा विश्वास बसेल मानलं नाही तर त्यांनी लेकिन वो उन्होंने जनता के सामने रखने की जरूरत है अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि उनकी उन्होंने भूमिका अलग ली है। पक्षाच्या भवितव्याच्याबद्दल अब सवाल पार्टी की भूमिका को लेकर हा इतरांना नवीन असेल मला हा नवीन नाही ये मला आठवतंय की मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। निवडणुकीच्या नंतर 1980 में मी या पक्षाचे चुनाव के बाद क्या पक्षाचे मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उस पार्टी के आणि 1 महिने जीत कर आए थे या 58 पैकी और 1 महिने के भीतर 6 सोडले उनमें से मला पक्ष सोडून गेले 52 विधायक मुझे छोड़कर चले गए सगळे पक्ष सोडून गेले मी त्या 58 सब पार्टी छोड़कर चले गए मैं नेता त्याच्या विरुद्ध मी 6 मैं 58 विधायकों का नेता था
एक उसके जगह मैं सिर्फ छह विधायकों का नेता बनकर रह गया था, पांच ही विधायकों का नेता रहा, घेऊन पुनः पक्ष बांधायला मी महाराष्ट्रात बाहेर पडलो और उन पांच विधायकों के साथ मैंने दोबारा पार्टी बनाई और महाराष्ट्र में घूमा। पक्षाची बांधणी करायची मेरा उद्देश्य यह था, पांच वर्षाची निवडणूक झाली, पार्टी को बनाना है। निवडणुकीत दोन गोष्टी दिसल्या की आमची संख्या और उसके बाद जो चुनाव हुए 69 वर गेली, म्हणजे संख्या वाढली और उसमें हमने देखा कि जो मेरे साथ भले ही छह विधायक थे लेकिन उसके बाद के चुनाव में मैंने दोबारा 69 लोगों को जीत कर लाया। पक्ष सुजून गेले क्या हुई कि और सिर्फ इतना ही हुआ कि जो पार्टी छोड़कर गए थे उसमें से क्या मतलब 45 से ज्यादा लोग हार गए, चुनाव हार गए। चित्र पुन्हा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पाठिंब्यावर कसं उभं करता येईल हा माझा एक कमी कार्यक्रम आहे और इसीलिए जो मैंने तब किया था वो मैं दोबारा करके दिखाऊंगा। मेरा यही प्रोग्राम रहेगा, मेरा महाराष्ट्र की जनता पर पूरा भरोसा है, मेरा पूरा उन पर भरोसा है। त्यावेळी सुद्धा असंच चित्र पण आपको याद होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले भी यही स्थिति दिख रही थी काम केलं कि मेरे यहाँ से लोग छोड़कर जा रहे हैं, आमची संख्या वाली, लेकिन फिर भी मैंने पार्टी को बनाया और आपने देखा होगा कि 2014 के मुकाबले 2019 में हमारे ज्यादा विधायक जीत कर आए और आज भी वही स्थिति है। मुझे देश में से कई लोगों के देश के अलग अलग नेताओं के फोन आए हुए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि हम सब लोग इस स्थिति में एक साथ है। ममता बॅनर्जी का फोन आला, काँग्रेस मुझे अभी ममता बॅनर्जी का फोन आया था, माहिती मिळाली, आणखी अनेक मल्लिकार्जुन खरगे का फोन आया था आज या देशामध्ये और कई नेताओं का मुझे फोन आ चुका है। याची आवश्यकता आहे असं म्हणणं और हम एक नया पर्याय तयार करने की कोशिश कर रहे हैं, त्यामुळे जो काही और हम सबकी यही भूमिका है, त्याची मला चिंता नाही। इसलिए जो भी हुआ है उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। उद्या सकाळी मी बाहेर पडणार आहे आणि कर्नाटकला जाऊन और आज का दिन खत्म होने के बाद कल मैं बाहर निकलूंगा और मैं यशवंतराव चव्हाण की समाधि का दर्शन लेने के लिए कल जाऊंगा। दलित समाजाच्या घटकांची एक पहिला मेळावा घेणार आहे आणि त्यानंतर माझा प्रयत्न राज्यात आणि देशात जेवढं जाता येईल आणि जेवढी लोकांच्याशी संपर्क वाढवता येईल तेवढा कार्यक्रम माझ्याकडून केला जाईल आणि हीच माझी उद्याची नीती। मेरी भूमिका अभी यही है कि कल मैं यशवंतराव चव्हाण की समाधि का दर्शन लूंगा और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में घूमकर जनमत बनाऊंगा, लोगों का मत बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे काही म्हणणं नाही, कोणी काही दावा करा, माझा लोकांच्या विश्वास, मी त्या लोकांच्याकडे जाईन आणि हा निर्णय लोक ठरवतो आणि गमत एनसीपी किसकी है इसका फैसला लोक तय करेंगे। राष्ट्रवादी आला कसा, राष्ट्रवादी हा पक्ष नव्हता, आम्हाला लोकांच्या काही भूमिका आमचे काही मतभेद काँग्रेसशी झाले। लोगों को इतिहास मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रवादी ये पार्टी नहीं थी, पहला पक्ष और ये पार्टी नहीं थी, मैंने ये पार्टी बनाई है। पण त्याचा फायदा आमच्या कशावर झालेला नाही, त्यामुळे कुणी काही क्लेम करो और इसका परिणाम हम पर नहीं हुआ है। जाऊन आमची भूमिका मांडो, किसी को कुछ भी क्लेम करने दो, हम लोगों के सामने जाकर हमारी भूमिका रखेंगे और लोगों का हमको समर्थन कैसे मिलेगा उसकी हम उसका हम ख्याल रखेंगे। तीन मुद्दे त्यांनी प्रामुख्याने मांडले, एक तर आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणूनच सरकारमध्ये सहभागी होत आहोत, दुसरा मुद्दा त्यांनी मांडला तो म्हणजे की मी शुक्रवारीच विरोधी पक्षनेते पदाचा राजीनामा दिलेला होता आणि तिसरा मुद्दा जो आहे की राज्यातल्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणून आम्ही सहभागी झालेलो। दोन गोष्टी, विरोधी पक्ष नेते पदाचा राजीनामा दिला ही माहिती आम्हाला तुमच्याकडनं कळली कारण आमच्याकडे दिलेली नाही,
कदाचित अजित पवार ने नेता विपक्ष का इस्तीफा दिया था उसकी जानकारी आपसे मुझे पता चली है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। स्पीकर है विरोधी पक्ष नेते थी निवृत्त, उन्होंने स्पीकर के पास जाके इस्तीफा दिया होगा। स्पीकर करतात तो बहुतेक त्यांच्याकडे केला असेल आणि त्यांच्याकडे केला असेल तर आम्हाला सांगण्याचं काही कारण नाही, चुकी असेल। और वो स्पीकर के पास दिया था इसके लिए हमें पता चलने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कुछ बताना नहीं चाहता। तो संगितलं कि पक्षाचं नाव घेऊन कोणी काही भूमिका घेतली त्याच्याबद्दल आम्ही भांडण करणार नाही, आम्ही लोकांच्या जाऊ आणि लोकांचा पाठिंबा। पार्टी का नाम लेकर कोई क्या भूमिका रखा है उसके लिए हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम तो लोगों में जाएंगे और हमारे विचार के तरफ लोगों हमारे साथ कैसे खड़े हो जाए उसके लिए हम कोशिश करेंगे। कोई पार्टी का नाम लेकर क्या करना चाहते हैं उनसे झगड़ा करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर कैंसर निकल रहा थे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की नीति है जैसे मुझे क्या गुस्सी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो नीति है उसमें ये भूमिका नहीं बैठती जो आज ली गई है। नहीं ऐसा है कि अच्छा समझ सकत नहीं, कारण राजीनामा दिल्यानंतर उद्या विरोधी पक्ष नेत्याची नियुक्ती करायची असेल तर हा अधिकार महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अध्यक्षाला आहे, त्यांचा निर्णय मी देऊ शकत नाही। पण मी पक्ष अब नया नेता विपक्ष कोण बनेगा ये स्पीकर तय करेगा। आम्ही असेच करू तो काँग्रेस पक्ष असू शकतो, पार्टी के तौर पर हम अगले कुछ दिनों में असेस करेंगे की आम्ही जो राष्ट्रवादी म्हणतो तो असू शकतो, याच्या संख्येचा विचार करून आम्ही पूरी संख्या का विचार करने के बाद ते ठरवू, आता आम्हाला ते सांगता येणार नाही। वो हम तय करेंगे लेकिन फिलहाल इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। माझा महाराष्ट्राच्या कार्यकर्त्यांचा माझा प्रखर विश्वास आहे, आमची खरी शक्ती मेरा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है आणि त्यामुळे हमारी असली शक्ती पार्टी के कार्यकर्ता और सामान्य लोग साजिक तुम्ही म्हणता ते खरं आहे, उनके मन में अस्वस्थता जरूर होगी, वो मेहनत करते हैं और हमको जीत कर लाते हैं।